नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं चने की दाल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा बड़ा टिफिन टाइप का है, इसमें इतना दाल ले लिए। इसको भिगो देंगे, 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। देखिए दाल भीग गई थी और मैंने कढ़ाई में डाल करके 2 चम्मच घी डाल करके कढ़ाई में इस दाल को डाल करके 5 मिनट के लिए पकाना है बिना पानी का। इस तरीके से डाल दिया और चबा करके ढक देंगे। अब देखिए 5 मिनट हो गया है और दाल पक चुकी है। दाल को इस तरीके से फोड़ के देखेंगे, देखिए दाल पक गई अच्छे से। अब थोड़ा ढक करके रखेंगे, गैस को बंद कर देंगे, दाल ठंडी होने पे पीसेंगे। अब देखिए 2 मिनट हो गया है, दाल को ट्रे में निकाल लेंगे। देखिए मैंने दाल को निकाल लिया है, अब ठंडा होने पर पीसेंगे। अब दाल ठंडी हो चुकी है, मिक्सी में डालकर पीसेंगे। थोड़ी ज़्यादा है तो 2 बार में पीसेंगे। देखिए दाल पीस गई है, इस तरीके से पीसनी है। इसी तरीके से सारी दाल पीस लेंगे। अब देखिए सारी दाल पीस गई है, अब गैस ऑन करेंगे। अब कढ़ाई में इसको पकाएंगे, घी डाल करके पकाना है। अब गैस ऑन करेंगे, दो चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा भूनेंगे दाल को, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तो समझ लीजिए दाल अच्छे से भून गई है। अब देखिए दाल भून चुकी है पिसी हुई दाल। अब मैं ट्रे में इसको निकाल लूँगी, गैस बंद कर दूँगी। अब दाल को मैंने निकाल लिया है, अब करीब 1 गिलास पानी डालेंगे। और 1 कटोरी चीनी। चीनी डाल के चाशनी बनाएंगे, गैस को ऑन करते हैं। अब चाशनी बनाएंगे। मैंने गरी गोला ले लिया है, इसको घिस लेंगे।
अब देखिए चाशनी बन गई है और दाल डालकर मिक्स करेंगे चाशनी में। अब देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, अरे एक चम्मच घी डाल दिया है और जो गरी घिस के रखी थी गरी भी डाल देंगे। और मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इलायची डालेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। निकाल लिया फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसमें लड्डू। अब देखिए ठंडा हो गया है, अब इसका लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा घी ले लें, घी लगा करके इस तरीके से हाथ में ले करके इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए लड्डू तैयार है, बहुत अच्छा बना है। कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरीके से बनाइए और एकदम फ्रेश लड्डू जब मर्जी हो बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी भी बनता है। नमस्ते फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बताइएगा फ्रेंड्स लड्डू कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छा, ना अच्छा लगे तो वैसा कमेंट करिएगा जो आपको ठीक लगे। आप लोग एक बार बनाइएगा जरूर प्लीज़, और खाइए फिर देखिए कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी होता है ये।